नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। खबर अमेरिका के सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़ी है, जिसमें कि आतंकी मारा गया है। ये आतंकी अलकायदा का सरगना और खूंखार आतंकी अल जवाहिरी है। अलकायदा सरगना और खूंखार आतंकी अल जवाहिरी को अमेरिकी सीक्रेट ऑपरेशन में रविवार की सुबह 6:18 पर मार गिराया गया। जवाहिरी की मौत की खबर 2 दिन बाद सार्वजनिक की गई। हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए अल जवाहिरी को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मार गिराने का दावा किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि एक हवाई हमले के दौरान अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को मार गिराया गया। टेलीविजन पर संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि इंसाफ हुआ है और आतंकी अब जिंदा नहीं बचा है। इधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस अमेरिकी ऑपरेशन की कड़ी निंदा की। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों और दोहा समझौते का उल्लंघन करार दिया। जबीउल्लाह ने काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले पर बयान जारी करते हुए कहा कि 1 अगस्त को 2022 को काबुल सिटी के शेरपुर इलाके के रिहायशी इलाके में हवाई हमला किया। पहले हमले के बारे में कुछ साफ साफ नहीं पता चल पाया, लेकिन तालिबान सरकार की तरफ से सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जब इसकी पड़ताल की तो ये पाया कि ये हमला अमेरिकी ड्रोन ने किया था। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने आगे बताया कि तालिबान सरकार अमेरिकी ड्रोन हमले की कड़ी आलोचना करती है और ये साफ तौर पर दोहा समझौता और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन है। जबीउल्लाह ने आगे कहा कि ऐसी कार्रवाई अमेरिका, अफगानिस्तान और क्षेत्र के हितों के खिलाफ है और ये पिछले 20 सालों के विफल अनुभव की पुनरावृत्ति है। इस तरह की कार्रवाई के दौराव से मौजूदा अफसरों को नुकसान पहुंचेगा। इधर बाइडेन प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि काबुल में रविवार की सुबह 6:18 पर अलकायदा चीफ को मार गिराया गया। इसके साथ ही ये दावा किया गया कि इसमें किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, परिवार के लोगों को इसमें निशाना नहीं बनाया गया और ना ही कोई क्षति पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक भारत को पहले ही अलकायदा के मारे जाने की जानकारी थी। अमेरिकी प्रशासन अल जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि हो जाने के बाद जानकारी सार्वजनिक करना चाहता था, इसीलिए बयान जारी करने में इतना वक्त लग गया। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the Emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number two man, his deputy at the time. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदल दी है और इसकी जगह पर ध्वज की डीपी लगाई गई है, यानी कि तिरंगे महोत्सव के तैयारियों को लेकर जोर शोर से लोगों से भी अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर को बदल दिया है। राष्ट्र तिरंगे ध्वज की तस्वीर उन्होंने लगा दी है। उन्होंने देश के लोगों से भी तिरंगा महोत्सव मनाने के लिए एक आंदोलन के रूप में ऐसा करने की अपील की। रविवार 31 जुलाई को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि 2 से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर के रूप में तिरंगे की तस्वीर लगाएं। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया खातों की प्रोफाइल पिक्चर बदलने के साथ ही ट्वीट किया कि आज 2 अगस्त विशेष दिन है। ऐसे समय में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे, हमारा देश हर घर तिरंगा अभियान के लिए पूरी तरह तैयार है। तिरंगा महोत्सव एक सामूहिक आंदोलन है। मैंने अपने सोशल मीडिया पेजों पर डीपी बदल दी और आप सभी से ऐसा करने की आग्रह करता हूं। पीएम मोदी ने इस मौके पर पिंगली वेंकैया को भी श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने राष्ट्र ध्वज की डिजाइन तैयार की थी। आज यानी 2 अगस्त को वेंकैया की जयंती है। पीएम ने कहा कि हमें तिरंगा देने के उनके प्रयासों के लिए हमारा देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा, जिस पर हमें बहुत गर्व है। तिरंगे से ताकत और प्रेरणा लेते हुए हम राष्ट्र की प्रगति के लिए काम करते रहे। बता दें कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर हर घर तिरंगा योजना की शुरुआत की गई है। हर नागरिक को अपने घर पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा लगाने की अपील की गई है।
पार्थ चटर्जी ईडी की कार्रवाई में सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे। साथ ही पार्थ चटर्जी ने जो रुपया बरामद हुआ है उससे अपना मानने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार किए गए मंत्री पार्थ चटर्जी पूछताछ में ईडी के साथ सहयोग नहीं कर रहे। केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि चटर्जी ने कथित स्कूल भर्ती घोटाले की संबंध में ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी अधिकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किए गए नेता चटर्जी पूछताछ के दौरान ज्यादातर वक्त चुप रहे। चटर्जी ने शुक्रवार को कहा कि वो साजिश का शिकार हुए हैं। उन्होंने खुद को निलंबित करने के टीएमसी के फैसले पर नाखुशी भी जताई है। ईडी ने कहा कि वो गिरफ्तारी के से ही हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे। वो अक्सर थकावट की शिकायत करते हैं और हमारे सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। हमने चटर्जी से उनके दावों के बारे में पूछा कि छापे में बरामद नकदी उनकी नहीं है। हम इस धन के स्रोत के बारे में पता लगा रहे हैं। करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले में केंद्र में रहे चटर्जी ने रविवार को दावा किया कि ईडी की छापेमारी के दौरान बरामद धन उनका नहीं है और समय ही बताएगा कि किसने उनके खिलाफ साजिश की है। केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी के मुताबिक चटर्जी के करीबी सहयोगियों में से एक अर्पिता मुखर्जी से जुड़े अपार्टमेंट से सोने के साथ लगभग 50 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। पूछताछ के दौरान मुखर्जी ने यह दावा भी किया कि उनके दो फ्लैटों से भारी मात्रा में जो नकदी और जेवर बरामद किए गए हैं वो उसके नहीं थे। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर लगातार ईडी का जो कार्रवाई है वो तेज होती नजर आ रही है। इनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश स्थित कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी ने पीयूष जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी पीयूष जैन के कन्नौज स्थित आवास और प्रतिष्ठान समेत देश के तमाम शहरों में उसके ठिकानों पर जल्द छापामारी कर सकती है। इसके अलावा ईडी पीयूष जैन की करोड़ों की संपत्तियों को भी अटैच कर सकती है। ईडी जैन के ठिकानों पर छापेमारी डीडीजीआई ने 197 करोड़ रुपए नगद और 23 किलो विदेशी सोना बरामद किया था। पीयूष जैन के खिलाफ डीडीजीआई और डीआरआई ने दर्ज एफआईआर कराई थी। डीडीजीआई ने पीयूष जैन पर 31.5 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगाया था। विदेशी सोना मिलने के बाद डीआरआई ने पीयूष जैन पर एफआईआर कराई थी। इससे पहले इत्र कारोबारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। हालांकि उसे अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। विपक्षी के पक्ष में 1 करोड़ रुपए गारंटी के तौर पर बैंक में जमा करने होंगे। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने बीते साल छापे के बाद एक बयान में कहा था कि कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन ने 2 परिसरों से बरामद कुल नकदी 197.49 करोड़ रुपए है। डीजीजीआई ने टर्नओवर वाली बात का खंडन करते हुए ये केस प्रॉपर्टी का है ना कि उनकी कंपनी का टर्नओवर का। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी के बाद डीडीजीआई का ये बयान सामने आया। डीडीजीआई ने कहा कि ये स्पष्ट किया जाता है कि केस में पीयूष जैन के ठिकानों से कुल बरामद राशि को कैश प्रॉपर्टी के रूप में SBI की कस्टडी में रखा गया है। DGGI के एक अधिकारी ने कहा था कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर सबसे अधिक पेशेवर तरीके से जांच की जा रही है। पीयूष जैन के आवासीय और फैक्ट्री परिसर से चल रहे मामले में नगद राशि को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सुरक्षित अभिरक्षा में केस प्रॉपर्टी के रूप में रखा गया है और आगे की जाँच बाकी है। ओडोकेम इंडस्ट्रीज की ओर से अपनी कर देनदारियों के निर्वाहन के लिए जब्त धन से कोई कर बकाया जमा नहीं किया गया है और उनकी कर देनदारियों का निर्धारण किया जाना अभी बाकी है।
बुलेटिन के आखिर में बात मौसम की कर लेते हैं। दरअसल मौसम का मिजाज इन दिनों बदलता हुआ नजर आ रहा है, कहीं धूप तो कहीं छाया तो कहीं बारिश के बादल नजर आ रहे हैं। इसी बीच कई राज्यों में बाढ़ जैसी संभावनाएं बनी हैं। पूरे भारत में मॉनसून की बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में जहां बाढ़ जैसे हालात हो गए तो कई राज्यों में किसानों को राहत मिली है। इस बीच भारत मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर नई जानकारी देते हुए कहा कि जुलाई की तरह अगस्त और सितंबर में भी भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त और सितंबर में उत्तर भारत में बारिश लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम जैसे तमाम राज्यों में भारी अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों पर इतनी बारिश हुई है कि नदियों में सैलाब आ गया है। कई आवासीय इलाकों में भी पानी घुस गया है। बारिश का सबसे खतरनाक रूप जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल में देखने को मिल रहा है, जहां बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। भारी बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। हिमाचल के मंडी में भी आफत की बारिश ने लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। यहाँ ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से 24 लोग पानी के सैलाब में फंस गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बचाया। अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात कुल्लू घाटी में भी बारिश का कहर देखने को मिला। बारिश ने यहां भी कोहराम मचाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से बीते एक महीने में 140 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 233 लोग घायल हो गए। बरसात से राज्य में अब तक 452 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान PWD को हुआ है। भारी बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के में पुंछ जिले के सूरनकोट शहर में सोमवार को बाढ़ आ गई और इस वजह से स्थानीय प्रशासन को सभी स्कूलों को बंद करना पड़ा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक सूरनकोट के पहाड़ी इलाकों में रात भर हुई भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई और इसका पानी घरों और दुकानों में घुस गया। लोगों की मदद करने के लिए सेना और पुलिस को लगाया गया। तो किस तरीके से जो है बारिश कुछ राज्यों में कहर बन गई है, कुछ लोगों की मौत की और साथ ही साथ घायलों की भी पुष्टि हो रही है। अलग अलग जगह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABSTAR News। नमस्कार।